हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ असेंबली फिजिक्स। स्टूडेंट, आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कार्बन नाइट्रोजन चक्र। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले हमने पढ़ा था तारों में संलयन, तथा उससे पहले पढ़ा था हमने डिफरेंस किस में, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में। तो स्टूडेंट देखिए, नाभिकीय संलयन में जब हमने पढ़ा तो अपन को ये पता चला कि विखंडन से ज़्यादा एनर्जी रिलीज कौन करता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करती है। संलयन में क्या होता है कि दो हल्के नाभिक जुड़कर परस्पर क्या बना लेते हैं, एक भारी नाभिक बना लेते हैं। और भारी नाभिक बनाते हैं तो इसमें जो द्रव्यमान रहता है, जो भारी नाभिक का बना वो पहले वाले द्रव्यमानों से क्या रहता है, कम रहता है। अब ये जो द्रव्यमान क्षति है स्टूडेंट, ये किस में निकलती है, ये एनर्जी की फॉर्म में क्या होती है, निकलती है। ठीक है, तो देखिए फिर अपन को ये भी पता चला कि इसके नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्या रहता है, रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है, तो इससे अपन को ये भी पता चला कि जैसे सूर्य जैसे तारे हैं, तारों में संलयन हमने पढ़ा था कि ये क्या करते हैं कि संलयन की अभिक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, अपन को ऊर्जा देते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये जो कार्बन नाइट्रोजन चक्र है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम के पर्पज से भी ये क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आइए अब अपन स्टार्ट करते हैं जो कार्बन नाइट्रोजन चक्र है उसके ही डेफिनेशन से समझना कि इसकी भी एक डेफिनेशन है। ठीक है, फिर अपन प्रॉपर इसकी इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन के बाद हम क्या देखेंगे, एक साइकिल देखेंगे किसकी, कार्बन और नाइट्रोजन की। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात है 1939 की, अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेथे, उन्होंने कहा, अब देखिए परिभाषा यहाँ से निकलेगी, उन्होंने कहा कि चार हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन के क्या रहते हैं, समस्थानिक रहते हैं, जिनको अपन 1H1 बोलते हैं या चार प्रोटॉन बोल सकते हो। उन्होंने कहा कि चार प्रोटॉन, अब ब्रैकेट में आप लिख सकते हो हाइड्रोजन के समस्थानिक 1H1। ठीक है, तो चार प्रोटॉन मिलकर एक हीलियम नाभिक का क्या करते हैं स्टूडेंट, निर्माण करते हैं, जिनमें कार्बन और नाइट्रोजन उत्प्रेरक का क्या करते हैं, काम करते हैं। अर्थात उत्प्रेरक वे चीज़ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते परंतु अभिक्रिया की जो गति है उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तथा अभिक्रिया समाप्त होने के बाद एज इट इज़ आप उनको क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो स्टूडेंट वापस थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, बेथे ने क्या बोला, बेथे ने कहा कि चार हाइड्रोजन के समस्थानिक या चार प्रोटॉन मिलकर एक हीलियम नाभिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तथा इन ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा क्या बनाते हैं, ऊर्जा बनाते हैं। अब इनको ताप नाभिकीय अभिक्रियाएँ क्यों कहते हैं, कि वे नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएँ जो बहुत अधिक ताप पर क्या होती है, संपन्न होती है, क्या कहलाती है, ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब उन्होंने क्या दिया, बेथे ने कार्बन नाइट्रोजन का साइकिल समझाया। अब अपन उस साइकिल को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए इसको मैं आपको दो प्रकार से बताऊंगा, इतना इजी और इतना सिंपल है कि आप खुद आफ्टर दिस वीडियो अपने आप ही क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो। बट अपन को इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन से एक क्या करेंगे, चक्कर बनाएंगे। ठीक है, बताइए बेथे ने परिभाषा क्या दी, बेथे ने परिभाषा दी कि चार हाइड्रोजन के समस्थानिक या चार प्रोटॉन मिलकर, तो देखिए 1, 2, 3, 4 चार क्या आ रहे हैं, प्रोटॉन आ रहे हैं, चार प्रोटॉन मिलकर कार्बन और नाइट्रोजन तो किसका काम करेंगे, उत्प्रेरक का काम करेंगे और बनाएंगे क्या स्टूडेंट, हीलियम। क्या बनाएंगे, हीलियम। बस इतना सा ही करना है, बस ये देखना है कि कहाँ पे कार्बन चेंज होता है और कहाँ पे नाइट्रोजन चेंज होता है। तो सबसे पहले हमारी रिएक्शन स्टार्ट होती है स्टूडेंट यहाँ से। देखिए इस चक्कर को मैं आपको समझाऊंगा, आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना, इस वीडियो के बाद ये चक्कर आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। हाँ, बट वापस रिकॉल करवा दूँ स्टूडेंट, एग्जाम पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए आइए, सबसे पहले 1H1 आ गया, इसको अपन क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन बोल देते हैं। ठीक है, प्रोटॉन आ गया, अभी प्रोटॉन आएगा किस पे, कार्बन पे, तो 6C12, तो क्या करेगा, देखिए प्रोटॉन आया किस पे, कार्बन पे, तो क्या करेगा, 7N13 बना देगा और गामा रे बना देगा और क्या क्या कर देगा, एनर्जी रिलीज कर देगा, कितनी, 1.94 मेगावोल्ट। क्या बना देगा, गामा रेज बना देगा और क्या बना देगा, 7N30। देखो कहाँ पे बना रहे, ये रहा। देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो ये अभिक्रिया का क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया, कौन सा हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इससे अपन चेंज करेंगे किस में, सेकेंड स्टेज में। अब सेकेंड स्टेज के लिए भी क्या रहेगी, सेकेंड रिएक्शन रहेगी। अब वो रिएक्शन क्या होती है, देखिए 7N13 कन्वर्ट हो रहा है किस में, कार्बन में, और उसके साथ साथ एक पॉजिट्रॉन और एक न्यू फ्रिक्वेंसी का फोटोन भी क्या कर रहा है, रिलीज। ये रहा स्टूडेंट सेकेंड स्टेप, ये रहा स्टूडेंट कौन सा,
सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, 7 and 13, एक तो न्यू आवर्ती का फोटोन, एक न्यू आवर्ती का फोटोन, और एक प्लस ई को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, और खुद किस में कन्वर्ट होता है, 6C13 में। उसके लिए अपन बाद में बात करेंगे, देखना कैसे कि 7 and 13 क्या दे रहा है, एक प्लस ई और न्यू, और क्या दे रहा है उसके साथ साथ एनर्जी भी दे रहा है। एनर्जी कितनी दे रहा है, 1.2 मेगावोल्ट, एक पॉजिट्रॉन और एक न्यू को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ठीक है। अब देखिए बनाया क्या इसने, 6C13 क्या बनाया, 6C13 कौन से स्टेप में स्टूडेंट, सेकेंड स्टेप में, कौन से सेकेंड स्टेप में, सेकेंड रिएक्शन में, सेकेंड स्टेप में, सेकेंड रिएक्शन में, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करेगा, 6C13 एक प्रोटॉन और ऑब्जर्व करेगा, टोटल कितने प्रोटॉन ऑब्जर्व होंगे, 4। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लास्ट अपन रिजल्टेंट जो इक्वेशन बनाएंगे ना उसको अपन स्टूडेंट मैच भी कर सकते हैं, और मैच करके ये भी देख सकते हैं कि हाँ हमने जो इक्वेशन बनाई है वो सही है या नहीं। वैसे भी कार्बन और नाइट्रोजन है क्या, उत्प्रेरक है, वो तो अभिक्रिया में ऐसे ही भाग नहीं लेने वाले, वापस चेंज हो जाएंगे, वो तो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या आया, 6C13 बना, जो कि क्या ऑब्जर्व करेगा, 1H1 क्या ऑब्जर्व करेगा, 1H1। देखिए कहाँ पे ये रहा, 1H1 ऑब्जर्व कर रहा है कौन, 6C13, तो क्या बना रहा है, 7N14 और क्या बना देगा, गामा रेज, क्या बना देगा, गामा रेज, और क्या कर देगा, एनर्जी को रिलीज कर देगा स्टूडेंट, क्या कर देगा, एनर्जी को उत्सर्जित करेगा। देखिए सेलेन से एनर्जी निकल रही है ना, वो भी किस में, मेगावोल्ट में, वो भी किस में, मेगावोल्ट में, तो मतलब 7N14 कहाँ पे मिले, ये रहे सर, ठीक है। किसने रिलीज किया 7N14 को, किसने बनाया, 6C13 ने, किसने बनाया, 6C13 ने, ठीक है। तो ये लीजिए 7N14 को 6C13 ने बना दिया। अब वापस 7N14 क्या करेगा, एक प्रोटॉन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। देखिए 7N14 किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, एक प्रोटॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है, देखिए ये रहा, ठीक है। तो ये एक प्रोटॉन को क्या करेगा, वापस एब्जॉर्ब करेगा स्टूडेंट, एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, यह ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, किस में, ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। बट ये कौन सा स्टेप है, ये सेकेंड हो गया, ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप, कौन सा हो गया, थर्ड स्टेप हो गया, कि जब क्या करे 7N14 एक प्रोटॉन को क्या करे, एब्जॉर्ब करे, ठीक है। सो ये तो फोर्थ हो जाएगा, थर्ड तो ये है ना, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ स्टेप। अब सर स्टेप को कैसे याद रखें, सिंपल है स्टूडेंट, 1, 2, 3, 4 कौन सी इक्वेशन बन रही है, चौथी, कौन सा स्टेप आ गया, फोर्थ स्टेप, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप में क्या हुआ स्टूडेंट, फोर्थ स्टेप में वापस एक प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में, ऑक्सीजन में, फर्दर ऑक्सीजन अपना फिफ्थ स्टेज में क्या करेगा, जैसे नाइट्रोजन ने किया था वैसे ही ऑक्सीजन करेगा, एक न्यू आवर्ती का फोटोन रिलीज करेगा और क्या कर देगा, एक पॉजिट्रॉन रिलीज कर देगा, अर्थात न्यू आवर्ती का फोटोन, ठीक है, न्यू आवर्ती का फोटोन और एक क्या करेगा, पॉजिट्रॉन, ठीक है, पॉजिट्रॉन को रिलीज कर देगा। बस उसके बाद सिक्स्थ स्टेप में क्या करेंगे, सिक्स्थ स्टेप में अपन करेंगे कि एक हाइड्रोजन और एब्जॉर्ब करेगा, कौन, नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन और एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पे बना देगा स्टूडेंट क्या, 2H4 अर्थात हीलियम नाभिक बना देगा और वापस कन्वर्ट हो जाएगा किस में, 6C12 में। ये रहा देखो, एक हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब किया, 6C12 बनाया और क्या बना दिया इसने, हीलियम नाभिक बना दिया। इन सब अभिक्रियाओं को एक साथ भी लिख सकते हैं, लास्ट में मैंने एक शानदार ब्रैकेट में बंद करके क्या बनाई है, इक्वेशन बनाई है, और इस इक्वेशन को अपन पूरा यदि रिलेट करें तो अपन की ये सारी की सारी इक्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारी की सारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, आपके साथ आ जाएगी, ठीक है। लास्ट कितनी स्टेप आई आप ही बताओ, कितनी स्टेप आई, 6 स्टेप, 6 स्टेप और 6 रिएक्शन और कार्बन नाइट्रोजन जो साइकिल है वो कंप्लीट। अब थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं अपन, किससे, रिजल्टेंट इक्वेशन से, किससे, रिजल्टेंट से। रिजल्टेंट से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि रिजल्टेंट बना क्या है, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा स्टूडेंट नीचे है, आप देखना, 4 1H1 आए सर जी, लास्ट में बना के आ गए 2H4, बाकी कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये उत्प्रेरक का काम करें, ये तो ना तो चेंज होते हैं, अभिक्रिया खत्म होने के बाद वापस एज इट इज बन जाते हैं, तो इनकी बातें नहीं करेंगे, बातें किनकी करेंगे, 4 प्रोटोन आए, 2H बना गए, और इस तरफ देखो एक पॉजिट्रॉन, 2 पॉजिट्रॉन, यहाँ पे क्या मिल गए, 2 पॉजिट्रॉन, एक न्यू कितने बन गए, 2 न्यू, एक गामा कितने बन गए, 3 गामा, और कितनी एनर्जी, इन सब को जोड़ेंगे तो 24.4
6-8 मेगावोल्ट एनर्जी मिली, पर ये एनर्जी पूरी नहीं है स्टूडेंट। ये वाले जो दो पॉजिट्रॉन है ना, ये दो जो पॉजिट्रॉन आए, ये वापिस दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे? दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना लेंगे स्टूडेंट? वापिस एनर्जी को रिलीज कर देंगे। और टोटल लगभग कितनी करेंगे? दो मेगावोल्ट के आसपास। तो 24.68 प्लस 2 मेगावोल्ट टोटल एनर्जी जो रिलीज होगी स्टूडेंट, वो 26.68 मेगावोल्ट होगी। इसका मतलब एक बहुत शानदार अमाउंट में क्या मिलेगी अपन को? एनर्जी मिलेगी। किस में मिलेगी? मेगावोल्ट में मिलेगी। किस में मिलेगी स्टूडेंट? मेगावोल्ट में। कब मिलेगी? जब कार्बन नाइट्रोजन चक्र कंप्लीट होगा। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है स्टूडेंट, ये अभिक्रिया सूर्य पर नहीं होती। क्यों? क्योंकि सूर्य पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं पाया जाता। कार्बन नाइट्रोजन चक्र को कंप्लीट होने के लिए, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए टेम्परेचर बहुत अधिक क्या रहता है स्टूडेंट? रिक्वायर्ड रहता है। और इतना जो टेम्परेचर है वो हमारे प्यारे से सूर्य ग्रह पर नहीं पाया जाता। दैट मीन्स ये सूर्य पे नहीं होती। अब सूर्य पे नहीं होती पर होती तो सेलेनीय अभिक्रिया है। अब सूर्य पे कौन सी सेलेन अभिक्रिया होती है, तो इसको जानने के लिए अपन एक छोटा सा चक्कर और पढ़ेंगे स्टूडेंट, बट वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पर जिसका नाम क्या है, जिसका नाम सुंदर सा है, प्रोटोन चक्र। क्या नाम है? प्रोटोन चक्र। ये लीजिए स्टूडेंट, ये अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप स्टूडेंट कार्बन नाइट्रोजन चक्र अब आपको क्या हो गया होगा, एकदम समझ से आ गया होगा। रिएक्शन से पढ़ा, डायग्राम बनाया, परिभाषा से बनाया, बेथे ने दिया 1939 में दिया, जिसे कार्बन नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। बहुत सारी बातें हमने क्या कर ली, डिस्कस कर ली। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो समझ आया होगा। एक बार इसका जल्दी से अपन क्या ले लेते हैं, प्रीव्यू ले लेते हैं। किसका? केवल चक्कर का। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा। यहाँ से सूर्य भगवान को हटा देते हैं, ठीक है? देखिए जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आया? प्रोटॉन। किस पे आएगा? कार्बन में कन्वर्ट करेगा नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन एक पॉजिट्रॉन और एक न्यू दे देगा। फिर नाइट्रोजन चेंज होगा वापस कार्बन में, हो गया ना? क्यों हो गया? क्योंकि इसने पॉजिट्रॉन दे दिया। तो यहाँ पे 7 की जगह 6 आएगा, बाकी 13 का 13 एज इट इज। देखो प्लस ई जीरो लिखा जाता है ऊपर, प्लस ई जीरो, ठीक है? तो एक पॉजिट्रॉन देगा तो 7 की जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 6 हो जाएगा ना, ठीक है? तो इसका मतलब कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया? नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन को वापस, सॉरी कार्बन को वापस एक -1 मिलेगा और ये इसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करके कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रोजन। लगे आज नाइट्रोजन कहता है कि एक प्रोटॉन और दे दो, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट, ऑक्सीजन वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट। लेकिन ऑक्सीजन क्या कर देगा? ऑक्सीजन वापस एक पॉजिट्रॉन और एक न्यू दे देगा। तो अपन को कितने न्यू मिले? 2 न्यू मिले, 2 पॉजिट्रॉन मिले, 3 गामा मिले। 3 गामा कहाँ मिलते हैं सोचो? सबसे पहला गामा मिलता है यहाँ पे, गामा लिख देता हूँ स्टूडेंट, मज़ा आएगा आपको ऐसे समझने में। पहला गामा मिलेगा यहाँ पे, दूसरा गामा मिलेगा आई थिंक स्टूडेंट यहाँ पे, और तीसरा गामा आपको मिलेगा यहाँ पे, फिर कोई गामा नहीं मिलेगा, ठीक है? तो 3 गामा और 2 पॉजिट्रॉन, 2 न्यू, ये सारे कुछ जुड़ा के क्या बना देंगे? कार्बन नाइट्रोजन चक्र। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर जी आपने ऐसे क्यों बताया, तो मैं ये गिनवा इसलिए रहा हूँ कि आप रिजल्टेंट क्या लिखोगे एग्जाम में, इक्वेशन लिखोगे। अब वो इक्वेशन सही है या नहीं आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको 3 गामा, 2 न्यू और 2 पॉजिट्रॉन याद है, और 24.68 वैल्यू याद है, और 411 याद है, 2H4 याद है। तो आपके लिए ये जो सबसे टफ दिखने वाला जो साइकिल है वो इजी हो जाएगा स्टूडेंट। ये दिखने में इजी है बट रहता टफ है। मैंने इसको एज पॉसिबल, जितना हो सके मैंने इसको सिंपल से सिंपल बताने की क्या की है, कोशिश की है, ताकि आप स्टूडेंट आप इसमें कंफ्यूज ना हो। काफ़ी बच्चों के डर रहता है स्टूडेंट, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ कि सर हम देखते हैं ऐसा लगता है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने एक सिंपल से सिंपल वे बनाने का कोशिश की है। आई होप स्टूडेंट आपको ये वे समझ आया होगा। फिर भी स्टूडेंट यदि आपको इस साइकिल में कुछ क्यूरीज या कुछ डाउट रह जाते हैं, तो जो ग्रुप बनाया है उसमें आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि कंप्लीट आपके लिए कार्बन नाइट्रोजन चक्र केवल और केवल एक स्क्रीनशॉट से क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। मैंने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा, मैंने ये 2 वोल्ट एनर्जी जोड़ के भी बताई है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये आपको वीडियो समझ आया हो तो प्लीज़ बस इसको शेयर करना, ताकि किसी को यदि इस टॉपिक में डाउट हो तो वो क्या कर सके, समझ सके। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट।